कंटेनर में इसे रख करके आप महीनों तक अच्छी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मीठे मखाने की रेसिपी, जो बहुत ही इंस्टेंट बनती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मखाना लेंगे। वजन में ये 40 ग्राम है। अब यहाँ पर पैन को हम गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना घी। घी जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें मखाने को डाल करके बढ़िया से फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। कंटिन्यू चलाते जाएंगे जब तक ये क्रंची नहीं हो जाता है, तब तक इसको हमें फ्राई करना है। ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और ये बढ़िया सा भुन भी गया है। तो गैस को बंद करेंगे और सभी मखाने को प्लेट में निकाल लेंगे। मखाना अच्छी तरह से भुन गया है तब इसे साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 1/2 कप जैगरी। इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट करके लेना है। तो 2 कप मखाने के लिए हम 1/2 कप जैगरी यूज करेंगे। अब इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून पानी और 1/2 टीस्पून जितना घी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे वरना गुड़ जल जाएगा। ये देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर। सौंठ का पाउडर बहुत फ़ायदेमंद होता है इसमें जाड़े के दिनों के लिए, तो इसे ज़रूर से डालेंगे। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डालेंगे, दरदरी कूट करके डालना है इसमें। और 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे। इससे क्या होगा कि मीठे और नमक में दोनों का बैलेंस अच्छी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुड़ जो उंगली पर लेने के बाद ये चिपक रहा है। गुड़ में जब अच्छी तरह से तार बनने लगे और वो जब आपके हाथों पर ले तो वो जमने लगे, तब हम जा करके इसमें सही मखाने को डाल देंगे और 2 टेबलस्पून हम तिल डालेंगे, जिससे इसके ऊपर बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी तिल से। और फ्लेम को लो रखेंगे, गैस अभी बंद नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे गुड़ और तिल की कोटिंग मखाने पे पूरी तरह से हो जाएगा, तब हम गैस को बंद करेंगे। पहले गैस बंद कर देने से क्या होगा कि गुड़ जमने लगेगा, तो गैस को भी बंद नहीं करेंगे। ये देखिए इसमें अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है, तो गैस को बंद करके इसे दूसरे प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है। यहाँ पर मैंने सभी को निकाल लिया है। तब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद एक एक करके अलग कर लेंगे और इस तरह से प्लेट में रख लेंगे। और अब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब एयर टाइट कंटेनर में इसे रख करके आप महीनों तक अच्छी तरह से इसको यूज कर सकते। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसे ज़रूर से आप ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।